नमस्ते बच्चों। नमस्ते। हाँ, तो आज आप हमें एक गद्यांश का अध्ययन करना है। उसके पहले मैं तुम्हें एक चित्र दिखलाने वाला हूँ, जिस चित्र को देखना है और मैंने जो पूछे हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी को यह चित्र दिखाई दे रहा है? जी हाँ। यह चित्र किस संपदा का है? वन संपदा। वन संपदा का, बराबर, बहुत अच्छा। अब दूसरा सवाल, इस वन संपदा में कौन कौन से प्राणी होते हैं? दो चार नाम बतलाइए प्राणियों के। बाघ, हिरण, खरगोश, हाथी। बराबर है। बाघ होते हैं, हिरण होते हैं, हाथी होता है, भालू होता है, खरगोश होता है, सांप होते हैं, बहुत सारे प्राणी होते हैं। इन प्राणियों में से मानव किन प्राणियों को पकड़कर अपने घर में संभालता है? हाथी, खरगोश, हिरण। बराबर है। हाथियों को, हिरण को, साथ में खरगोशों को, इतना ही नहीं भालुओं को, कुछ लोग सांपों को भी संभालते हैं। लेकिन एक बच्चों में मुझे आखिरी सवाल पूछना है, इन सभी प्राणियों को हम पकड़कर अपने घर में संभालते हैं, क्या वह हमारे घर में सुखी होते हैं? नहीं। नहीं, बराबर है। इसका क्या कारण है? क्योंकि वो अपने परिवार से दूर होते हैं। हाँ, सही उत्तर दिया। कि कोई भी प्राणी हो, मानव हो, सभी अपने परिवार से दूर नहीं रह सकते। परिवार में वे जितने सुखी रहेंगे उतना वे दूसरी जगह पर सुखी नहीं होते। इसलिए हमें यही बात लेखिका चित्रा मुद्गल इन्होंने जंगल इस कहानी द्वारा समझाने का प्रयास किया है।